आज की इस वीडियो में तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन का पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक संख्या में दो अंक है, एक संख्या में दो अंक है, यदि संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं, तब वह संख्या क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कहा गया, अगर कोई संख्या संख्या में कितने अंक, दो अंक, अगर उस संख्या में 18 जोड़ दिए तो हो क्या रहा है, अंकों के पलट जाते हैं, यानी उस संख्या के अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं, तो वो संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को क्या करें, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर आप पहला ऑप्शन लीजिए, अगर आप इसमें क्या करें 18 जोड़िए, अगर आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इस संख्या के अंक पलट जाएंगे क्या, इस संख्या के अंक पलट जाएंगे क्या, इसमें तो यही कहा गया 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब ये कि अगर आप जैसे इसमें 18 जोड़ देंगे तो पलट के ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। देखिए इसमें 18 जोड़ के इस बात को फॉलो करें क्या, यहां से जोड़े कितना, ये 8, 9, 17 हो गया। अगर इसको जोड़े 5, 1, 6, 1, 7, क्या इस बात को ये फॉलो करें क्या, क्या इस संख्या के अंक पलट गए क्या, नहीं, अर्थात ये पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं। सेकंड लेके चेक करते हैं, अगर आप इसमें 18 जोड़ के चेक करिए क्या इनके अंक क्या आपस में पलट जाते क्या, अगर ये 57 है तो क्या 75 हो जाए क्या, आपको यही चेक करना है 18 जोड़ने के बाद। यहां से जुड़ी 8, 7 कितना हो गया 15 हो गया, अगर मैं इसको जोड़ू कितना 5, 1, 6 हो गया, लेकिन एक हासिल कितना गया 7 हो गया। अर्थात देखिए इस बात को ये फॉलो करा, अगर इस संख्या में क्या कर 18 जोड़ दिए तो इसके अंक क्या है आपस में पलट जाते हैं, यानी इसके अंक क्या पलट जाते हैं, ये इस बात को फॉलो कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, संख्या इतना दे दिया, संख्या में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है आपको ये बताना है। आपको संख्या दे दिया, इसमें पूछा कि 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है आपको यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर संख्या आप यहाँ पे लिख लिए 3, 5, 6, 7, स्थानीय मान आपको पता होगा कि ये कौन सी, यानी 3 कितने नंबर पे है, इससे आगे देखिए कितने डिजिट है, 1, 2, 3 डिजिट है, करना क्या 3 तो आप लिखेंगे ही स्थानीय मान के लिए, इसके सामने क्या करें 3 0 आप लगा दें, ये इसका क्या गया स्थानीय मान आ गया। अभी अंकित मान क्या होता है, यह हम इसे क्या नाम जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं, जाति मान से भी जानते हैं, इस नाम को हम क्या करते हैं जाति मान से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां से पूछा है कि 3 का जाति मान पूछा है, तो जाति मान क्या करता है, ये स्वयं को इंडिकेट करता है, जाति मान क्या करता है स्वयं को इंडिकेट करता है, तो आपको क्या पता चल गया स्थानीय मान पता चल गया, और ये आपको क्या पता चल गया जाति मान पता चल गया। तो क्वेश्चन ने पूछा है क्या, दोनों का अंतर पूछा है, आप यहाँ से क्या करिए घटा लीजिए, अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से कितना मिल जाए 2, 9, 6, ये क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, इसमें करना है क्या, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो स्थानीय मान आपको ये चिन्ह मिल गया। ठीक है, अभी अंकित मान क्या होता है, अंकित मान क्या करता है, ये स्वयं को इंडिकेट करता है, अर्थात ये 3 को ही इंडिकेट करे, तो 3 का अंकित मान कितना हो गया 3 ही हो गया। अब करने के दोनों का अंतर कर ले आपको क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी राशि का 1/3 ₹12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान ले कि माना वो राशि कितनी ₹x है, हम लोग मान ले कि माना वो राशि कितनी ₹x, अगर इस राशि का क्या किया 1/3 निकाला जाए, इस राशि का क्या किया जाए 1/3 निकाला जाए, इसका 1/3 कितना मिल रहा है ₹12, तो कह सकते हैं यहाँ से कितना ये 12। तो करने के आपको यहाँ से x का मान निकालना, अगर मैं इसका इधर गुणा कर लूँ x बराबर कितना आ गया ये 12 3 36, अर्थात वो राशि आपको पता चले, तो पूछा कि उस राशि का 1/4 पूछा है, तो आपको करने के इसका यहीं से 1/4 आप निकाल दो, अगर मैं इसको यहाँ से काट दू तो 4 9 36 कितनी बार में करिए 9 बार में ये पूरा पूरा कर जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस राशि का 1/4 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितना कि वो 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी आपको ये बताना। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं बिना पेन और पेपर के। तो सबसे पहले आपको तरीका समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये है। ठीक है, इससे रिलेटेड है,
जैसे कि मैं यहाँ पे ले लू कितना 12 है और ये 10 है और ये कितना है 14 है। अब यहां से देखा जाए 12 जो है 10 से उतनी बड़ी है, 12 जो है 10 से उतनी बड़ी कितनी बड़ी है 2। अब ये देखिए 14 से कितना ये छोटी है 2 छोटी है। तो क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि कोई संख्या है या 12 हम ले रहे हैं, 12 10 से उतनी बड़ी है जितना कि क्या 10 से सॉरी 14 से क्या 14 से छोटी है। आपको मगर यहां से इसको हिडन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि कोई संख्या 10 से उतनी बड़ी है जितना कि वह 14 से क्या छोटी है, तो वह संख्या आपको बतानी। वैसे हमको पता यहाँ पे 12 है, लेकिन कैसे पता पाएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। करना क्या, कोई दोनों को जोड़ के क्या करे आधा के आपको ये संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर इन दोनों को जोड़े कितना मिले 24 मिल गया, और 24 का आधा कर लेंगे तो कितने मिलेंगे यहाँ से 12 मिले, अर्थात आप बता सकते ये संख्या कितनी है 12 थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितना कि वो 75 से छोटी है, तो वो संख्या क्या आपको ये बता। तो करने के आपको इन दोनों को जोड़ के इसका आधा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएगा 106 मिल जाएगा, 106 मिल जाएगा, 106 का आधा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर है कितना आ जाएगा 53। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख कर भी आंसर बता सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 106 मिल गया, 106 का आधा कितना हो जाए 53 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा आपको ये बताना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर जब भी आए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा दे, फिर आप इसे कैसे सॉल्व में करेंगे मैं आपको तरीका हूं। इसमें यही कहा गया अगर कोई संख्या है इस संख्या में क्या किया 32 से भाग दिया है, तो शेष कितना बच जा रहा है यहाँ से 29 शेष बच रहा है, यही तो क्वेश्चन कहा गया। फिर अगले से ये कहा गया इसी संख्या को 8 से भाग दे, यहाँ पे जो संख्या है अगर इसी संख्या कितने से भाग दे 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। करना क्या आपको इससे क्या करिए, उस संख्या में 8 से क्या करना, उस संख्या में क्या करना 8 से भाग देने की बजाय आप करिए क्या शेष में ही भाग दिए, आप इस शेष में ही क्या कर दीजिए भाग दीजिए। अगर आप इस शेष में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 8 × 3 = 24 हो जाएगा, तो बचे कितना शेष आपका 5 शेष बच जाएगा, ठीक है। कितना शेष बच जाएगा आपका 5 शेष बच जाएगा, आप ये क्या आ गया आंसर। मैंने क्या बताया यदि किसी संख्या में 32 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो इसी संख्या में 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा आपको ये बताना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही होती है आप उस संख्या में भाग देने की बजाय आप करिए क्या 8 से शेष में क्या कर दिए भाग दिए, आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा 5, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया 122 की पावर कितना 173 में इकाई क्या होगा आपको ये बताना है। इसमें क्या पूछा इकाई का अंक क्या होगा आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। अगर ये छोटी संख्या रहती है, अगर कुछ इस तरह से रहती तो आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं, यानी 12 कितनी बार, लेकिन आपको 12 × 12 अगर आपको इकाई अंक से मतलब इसका लास्ट ले लिया और इसका लास्ट ले इनका गुणा कर ले कितना हो गया 2 × 2 = 4 हो गया, तो आपको क्या पता चले इकाई अंक आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर बहुत ज्यादा है 173 है, अगर आप इसको प्रसार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक यही होती है आप इसमें क्या करिए 4 से भाग दिए। जब भी अगर ये पावर क्या 4 से अधिक हो इसमें क्या करिए छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 4 से भाग दिए। अगर आप भाग देंगे तो 4 × 4 = 16 हो गया, 1 × 3 = 12, तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। जो भी शेष बचेगा आपको करने के इस संख्या की पावर कर लिए, जो भी शेष बचेगा आपको करने के इस संख्या की पावर कर लीजिए। अगर आप 122 की पावर करके 1 लिखेंगे आपको क्या पता है जब इसे प्रसार करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा 2 ही तो मिलेगा, आपको इकाई अंक क्या मिल जाए इकाई अंक के स्थान पे क्या मिल जाए आपको 2 ही मिलेगा, आपको ये क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, इससे पहले संख्या क्या गई आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको केवल इकाई अंक से मतलब आपको इकाई अंक पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया यदि 3 × x + y = 81 तथा 81 × x − y = 3 हो तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर कितना इतना है, अगर मुझे इसे क्या करना 3 की पावर के रूप में कन्वर्ट करना तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ से कर लिए 3x की पावर कितना ये y हो जाएगा और 3 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं।
अगर इससे क्या करना, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे मुझे तीन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तीन की पावर कितना कर लिए, चार कर लिए जाए, तीन की पावर कितना कर लिए, चार कर लिए, यही तो करेंगे। या कहने का मतलब है तीन की पावर कितना करेंगे, चार, और ये ब्रैकेट में एक्स माइनस कितना, ये वाई हो जाएगा, यही तो करेंगे आप, यही करेंगे ना। अगर इस चार का इसमें गुणा कर ले कितना हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा, इसमें गुणा करें माइनस कितना हो जाएगा, फोर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इक्वल टू कितना है, पूरे के बराबर कितना है, यहां से तीन है। अगर तीन की पावर एक लिए कोई फर्क नहीं है, आपको एक रूल पता होगा घातांक कर्ण के, यहां से अगर क्या ए की पावर कितना है, एक्स है, और इक्वल टू ए की पावर कितना, वाई है। अगर इनके आधार क्या सेम हो तो घाते क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये घातांक कड़ी का रूल। तो यहां से क्या हो जाए, एक्स बराबर आप वाई कह सकते हैं। अगर इनके आधार क्या बराबर है तो इनके पावर भी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे इस बात को ये फॉलो करे क्या, अगर यहाँ पे देखिए इनके आधार क्या बराबर है, क्या यहाँ से भी इनके आधार देखे बराबर है, तो कह सकते हैं इनके आधार बराबर तो यहाँ से पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, यहाँ से फोर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कितना ले सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं, तो फोर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, फोर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, कर सकते हैं। जब इनके क्या इनके आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर है। अब करना है कि आपको यहाँ से x का मान बताना। अगर हम लोग मान लें समीकरण एक हो गया और ये समीकरण दो हो गया, अगर इस पूरे समीकरण एक में चार से गुणा कर दो तो मैं एक ऐसा कर रहा हूँ ताकि कोई एक टर्म बराबर है, अगर इसमें चार से गुणा करे तो यहाँ से कितना हो जाएगी, तो यहाँ से कितना फोर एक्स हो जाएगा, इसमें भी चार से गुणा कर ले कितना हो गया, प्लस फोर वाई हो जाएगा, इसमें गुणा कर ले कितना हो गया, सोलह हो गया। इतना क्लियर है, नीचे आपका यही रह जाएगा, तो फोर एक्स माइनस कितना ये फोर वाई हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्लियर। इतना अब करना है कि आपको देखिए यहाँ से देखिए प्लस माइनस में ये इससे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो कितना मिल जाएगा, आठ एक्स मिल जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, ये सत्रह हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि एक्स का मान पूछा है ना, तो अगर एक्स का मान पूछा तो क्या करें, आप एक्स को यहीं पर रहने दीजिए और ये जाके इधर बटा हो जाएगा, एक्स का मान कितना है, सत्रह बट्टे आठ, आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आपको करने के सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके आधार के क्या करना है, दोनों के आधार क्या करना है, सेम करना है। तो मैंने सेम कर लिया, बाकी आपका समीकरण ये बनेगा और एक समीकरण ये बनेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, सत्रह बटे आठ, तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।